Hey guys, welcome to a new vlog. तो आज की शुरुआत करने वाले हैं पापा के कंप्यूटर से जो रखा हुआ है बाहर. एसपीटी उड़ गई है. जिसका नाम था क्या हाल है सी पीटिया क्या हाल रहा था पेरा चलो मैं कितने तोड़ बैठे कुछ अर्जेंट वर्क था जिसकी वजह से मैं फटाफट उसे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ. तो अब वक्त हो गया है मेरी क्लास का. ये है मेरी लास्ट क्लास. भैया अपनी क्लास करने का है ओसम क्योंकि उनकी क्लास का वक्त हो गया. मम्मी उनको बुला रही है. तो जयशु भी आके मेरे गोद में बैठ गई है. कैमरा का लेंस गंदा हो गया थोड़ा सा. जयशु भी आके मेरे गोद में बैठ गई है और जयशु बोल रही पापा कुछ तो बोल दो. और पापा बोल रहे हैं कि बेटा उनके पास काम बहुत ज़्यादा है तो पापा भी नहीं बोलेगा. पहले पापा काम निपटाएगा. काम निपटाने के बाद पापा जब फ्री हो जाएगा फिर बात करेगा आपसे. जयशु बेटा जब तक मैं थोड़ा काम निपटा लेता हूँ आप जाके फटाफट नहा लो. बाथरूम फ्री हो जाएगा फिर मैं नहा लूँगा. ओके. कल हम लोग रात में नीचे गए थे वॉकिंग करने के लिए तो हम वॉक नहीं कर पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउड था रोड पर. जो वॉकिंग एरिया होती है पेडेस्ट्रियन के लिए तो बहुत ज़्यादा क्राउड था तो हम वॉक नहीं किए. हमने कहा हमको कार से नीचे उतरना ही नहीं है. हम ऐसे ही नीचे चले आए थे वापस बैरंग घर. आपको मैं अच्छे से अच्छी लिखूंगी क्योंकि लाने के बाद मैं अच्छे अच्छे कपड़े अच्छा अच्छा काम अच्छे अच्छे दिख के आती हूँ ना. जैसे कि मैंने आपसे बोला था मैं लाट होके अच्छे से सुंदर होके लाऊंगी तो मैंने वही करी. मैं तो एक प्रिंसेस की तरह तैयार होके आ गई क्योंकि मम्मा ने जब मम्मा से चप्पू अपनी अलमारी में कुछ नहीं ये वाली फ्रॉक ले ली थी तो मैं उनसे पूछी मम्मी क्या कर रही हो तो फिर मैंने देखा कि वो मैं ये वाली फ्रॉक दे रही है तो मैं पहन ली खुद से पहन ली. खाना खा लिया? अरे प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. खाना खा लिया? हाँ. ब्रेक हुआ अभी? हाँ. जाइए फिर अभी अभी लेकिन उतना क्लास नहीं है लेकिन जो भी मिस ने पढ़ाया है हाँ. बैठ के सारी चीजों को रिवीजन करोगे हाँ. और जब तक जैसू की क्लास चालू रहेगी तब तक आप पढ़ते रहेंगे हाँ. ठीक है. उसके बाद जब जैसू क्लास चालू हो जाएगी तब जैसू क्लास में आप उसकी हेल्प करेंगे. जयशु बड़ी खुश हो जाती है अगर तरुष को डांट पड़ती है या तरुष को किसी भी तरीके से हम परेशान करते हैं ना तो जयशु बड़ी खुश हो जाती है. किसी को डराया ना ये है जिसमें क्योंकि हमारी अर्थ होती है उसको हमको तोड़ना पड़ता है और जितने लोग मरेंगे उतना हमको पैसा मिलेगा. तो वो आएंगे नहीं हमारे पास. वो आएंगे नहीं लेकिन बच्चे इससे कुछ सीखेंगे कि वो पढ़ोगे क्या पढ़ेंगे वो और बनेंगे क्या भी टीचर क्या भी मम्मा किसके लिए आपने आई थी. आज मेरी मॉर्निंग तो बहुत सुबह ही हो गई थी लेकिन काम में इतना बिजी थी कि आ ही नहीं पाई. अभी आज तरुष की स्टडी स्टार्ट हो गई है और तरुष ने कहीं से सुना था कि अगर हम कुछ करते हैं तो बाहर अपने रूम के बाहर कुछ लगा लेना चाहिए नोटिस कि सब उसको कर सकें. तो तरुष ने स्टडी के लिए ये गेट पर लगा दिया है. प्लीज डू नॉट एंटर इन दिस स्टडी रूम आई एम स्टडिंग. एज यूजुअल हस्बैंड तो अपने काम में लगे हुए हैं ऑफिस के. हस्बैंड ना बोला करो मिस्टर गोस्वामी. मिस्टर गोस्वामी मिस्टर गोस्वामी साहब. एज यूजुअल बच्चों के पापा तो काम में लगे हुए हैं ऑफिस के. पापा भी नहीं मिस्टर गोस्वामी. हां मुझे नहीं चाहिए मिस्टर आशीष कुमार गोस्वामी. बोलो तो मिस्टर गोस्वामी. As usual, Mr. गोस्वामी तो काम में लगे हुए हैं. जयश्री की पढ़ाई चल रही है मस्त. तो देखिए मम्मी क्या कर रही है. आप क्या कर रही है? सब्जी का मसाला रेडी कर रही है बेटा. सब्जी का मसाला तो मसाला ऐसे ऐसे रेडी होता है. ये क्या चीज है? इसमें ऑनियन ऑयल से जीरा
वाव, खाना बहुत टेस्टी लग रहा है मम्मी। मम्मी का आइडिया बहुत मजेदार था। मम्मी की रेसिपी भी अच्छी थी। उन्होंने सबसे पहले ऑयल डाला और ऑयल डालने के बाद मम्मी ने डाला जीरा। तो अब मैं खेलने वाला हूँ वो गेम जो मैं आपको बता रहा था। दर्शु कर रही है क्लास पापा बिल्डिंग BUILDING। ऐसे कौन से फिश है जिसकी आवाज बहुत तेज है? ब्लू व्हेल की आवाज सबसे तेज है। इस दुनिया में कौन से बड़े बड़े जानवर हैं? एलिफेंट, जिराफ और लायन। ये बताओ ऐसे दुनिया में कौन से पेड़ हैं जो पूजा के लिए यूज किए जाते हैं? बनियान ट्री, पीपल ट्री पूजा के लिए यूज किए जाते हैं। बहुत हार्ड हो आप। रबर कैसे बनता है? रबर का एक पेड़ होता है जिसमें से मिल्क निकलता है, ठीक है? तो बहुत सारे पेड़ होते हैं और उसमें मिल्क के ड्रॉप्स गिरते रहते हैं, बहुत सारा मिल्क इकट्ठा हो जाता है, फिर इसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद रबर बनता है। नहीं, जब वो पूरा सूख जाता है ना पूरा मिल्क, वो पूरा एक अगर आप उसको टच करोगे तो वो क्या बोलते बहुत हार्ड हार्ड लगेगा, ओके? फिर उस हार्ड हार्ड को काट काट के कम से कम टू फोर टाइम्स काटते हैं ऐसे, जिससे रबर के अच्छे पीसेस हो जाते हैं। फिर रबर पे लिखते हैं इस रबर का नाम क्या है। ये तो कॉल क्या होता है? कोल जो होता है, कोल को हिंदी में कोयला बोलते हैं, ठीक है? कोल क्या होता था कि जब बहुत बड़े बड़े जंगल में आग लग जाती थी या बहुत बड़े बड़े जंगल जो है ना पृथ्वी के नीचे दब जाते थे, उनके ऊपर मिट्टी पड़ जाती थी, तो सालों साल जब वो दबे पड़े रह जाते थे तो वो अंदर ही बर्न हो जाते थे, और बर्न होने के बाद, ठीक है, वो प्रोसेस में होता था कि बर्न होने के बाद वो कोल बन जाता था, वो पृथ्वी के अंदर ही, जिसकी वजह से कोयला की खदानों में कोल मिलता है। से कुछ काम कर रहा था, तरुष आए और एकाएक मेरे से क्वेश्चनिंग करने लगे कि अगर आपको आता है तो मुझे इसका जवाब दो। तो मैंने वैसे पूरी कोशिश की तरुष को जवाब देने की कि मैं तरुष को सारे जवाब दे सकूं। हमारे चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आज का लॉगिन करते हैं, यह खत्म। हमारे सारे वीडियोस देखें। बाय बाय।